नमस्कार किसान भाइयों, राकेश जी धाकड़ जी, ये ताइवान रेड लेडी का बगीचा लगाया गया इनके द्वारा। दूरी इसमें कम थी तो इनसे जानकारी लेते हैं क्या स्थिति, क्या कहना चाहोगे धाकड़ जी दूरी के बारे में? देखिए, इसमें दूरी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हमको पता नहीं था, हमने लगाया इसको 4x4 पे लगा दिया। अगर यह 10x10 पे होता तो और ज्यादा फ्रूटिंग आती है इसमें। अच्छा अच्छा उसके अलावा इसमें ऐसा छोटा छोटा फल आया है। अगर दूरी अगर मेंटेन होती तो अच्छा बड़ा फल आता है इसमें। दूरी ये क्या हाइट हो गई होगी लगभग इसकी? ये हो गई होगी 10 फीट। 10 फीट हाइट हो गई प्लांट की। आप देख सकते हैं दूरी 4x4 की वजह से, दूरी 4x4 की वजह से देख सकते हैं बगीचा। फ्रूटिंग तो एवरेज बनी हुई है, लेकिन हाइट बहुत देखिए, बहुत जबरदस्त 10 फीट का प्लांट हो गया है। जी सर, तो आप ध्यान रखें दूरी 8x10 बराबर ये रहना चाहिए। और खाद बीज में कैसे क्या कहना चाहोगे? खाद बीज तो जो हम डालते हैं वही डाला हमने, वो इपको का, सागरी का है, ऐसे ऐसे जैविक खाद डाले हमने। डीएपी पोटास वो भी डाला ना, वो सब दोनों कॉम्बो चले। कौन सी वैरायटी थी ये? रेड लेडी। 7H कब लगाया था बगीचा? ये 7 अप्रैल को लगाया था। 7 अप्रैल को लगाया था, लेकिन सिर्फ दूरी के कारण गड़बड़ हो गई। अगर दूरी मेंटेन होती तो बहुत माल था हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं डिस्टेंस। इसलिए किसान भाइयों बार बार हम बोलते हैं दूरी, फ्रूटिंग इनके बहुत अच्छी, इनके खाद अच्छा था, इसलिए हाइट होने के बावजूद भी फ्रूटिंग आई। लेकिन आपको दूरी का ध्यान रखना है।